कोई आराम से आराम से आराम। स्टेज पे जो चार लोग होंगे, जो स्टेज पे चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का एसएचओ है वो, राई थाने का। कौन है थाने का, क्या है? हां जी, प्रदीप। कौन है? प्रदीप थाने में है। राई थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के। तो उसका हमने राई हमने हमने उसका बैच देखा था, ठीक है सर। नेताओं की फोटो किस, कौन कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। सर हमारे पास नहीं है वो, दिखा दीजिए फोटो तो, दिखा दीजिए। चलो फोटो ना किसी के दिखाओ, क्या बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस को दे देंगे। बत्ती में से चार आदमी है जिनका नाम इसने बताया है, और वो जो देखिए वो चार की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है, वो फाश किया। ये आंदोलन की बात, केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे, वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन चार आदमियों का नाम इसने बताया। इसने जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं, पहले रई में, रई कहाँ पे? राई। गुआना में, गुआना में जब जाट आरक्षण हुआ तो इन्होंने काम करा, ये बताया। एक मिनट, वो नहीं, वो ठीक है, नॉर्मल है, मैंने पूछा उन्हें। बात सुनो, वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है। उसकी बात सुनो, चार लोगों की बात नहीं है, चार लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे भय क्रिएट करना है, ये बात है, ठीक है। जो बोलता है वो सुन लो, ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी जरूरत थी उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंची बोल दो बेटा। सर हमने पैसों के लिए काम किया था, हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर-बितर करने हैं। 50 से 60 आदमी है उसमें, 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज कृपया करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बात। ये हाँ जी सर, कोई कोई बात नहीं, कोई कर ले यार। 10,000 रुपए की सर, 10,000 रुपए, 10,000। एक मिनट काइंडली, सारी गल लंबी है, अभी गल कर लेने, सुन लेने दो यार, बेनती है, एक बार पूरी कर लेंगे। तो बेटा अपनी बात पूरी करो, इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन करो। 10,000 रुपए की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से उठ रहा है हमारा, जो जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। और जो माखन भोपाल है, पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है। जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो, कैसे दिखेंगे वो लड़के, ठीक है, कोई लोड नहीं, बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है। हमारा भी प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने दो जगह दो जगह हथियार दिए हैं। बोलो फिर से, बोल देना अच्छी तरह। दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो
पहले जो वो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे, उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें और चौथा प्लान जो 26 तारीख को एक बार छोड़ो, एक क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो।